कोरबा जिले की पौड़ी उपरोडा विकासखंड अंतर्गत दुरुस्त वनांचल में स्थित ग्राम पंचायत पौड़ी खुर्द में पिछले लगभग 8 वर्ष से सचिव के मनमानी और भ्रष्ट आचरण की शिकायत पर जांच के नाम पर खानापूर्ति कर जिला सीओ के द्वारा हटाने की आदेश का खुला उल्लंघन किया गया है। उप सरपंच सहित पंचों ने कहा कि जब तक विवादित सचिव रहीम अली खान को ग्राम पंचायत पौड़ी खुर्द से नहीं हटाया जाता तब तक वे ग्राम पंचायत में किसी भी प्रकार की बैठक को बहिष्कार करने का उन्होंने निर्णय लिया है। आपका नाम बताएंगे, परिचय? राजकुमार यादव। अच्छा, ग्राम पंचायत क्या है आप? उप सरपंच। अच्छा, ये बताइए उप सरपंच साहब, आज ग्राम पंचायत पौड़ी खुर्द में आज ग्राम सभा बैठक रखा गया 16 अक्टूबर को। जी, आज ग्राम पंचायत बैठक में ग्राम सभा बैठक रखा गया था तो किस बेस पर रखा गया था, क्या निर्णय हुआ? तो ग्राम सभा का आज बैठक था कि हम 5 साल का पूरा कार्य योजना बनाएंगे। हाँ, इस बारे में हम बैठक किए थे। हाँ, और इस बारे में फिर सचिव के द्वारा निकालने बाबत झंझट हो गया। तो ये हमारा जो क्यों हुआ निकालने बाबत झंझट, काहे हुआ? काहे सचिव का स्थानांतर हो गया है। अच्छा, कहाँ हुआ है? रिंगनिया। अच्छा, और वहाँ से कोई सचिव यहाँ उसके स्थानांतर लेने के लिए अभी तक कोई नहीं आया, नहीं आया। सचिव आया था। अच्छा, है ना। हाँ, तो उस बात में विवाद हो गया, इसलिए सब आज कोई काम। ठीक बात है, तो उसका आदेश हो गया यहाँ से कार्य मुक्त कर दिया गया, क्यों आया वो भाई? आज उसको आदेश था कि यहाँ ग्राम सभा करने का। आप लोग देखे आदेश पत्र? हाँ, आदेश पत्र रखा है वो। हाँ, रखा है। अच्छा, वो उसके साथ में एक अधिकारी आई थी, वो दिखाई आदेश पत्र कि नहीं उसको आज ग्राम सभा लेना है। लेना है। हाँ। तो आज ग्राम सभा सफल हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सचिव के निकालने के विवादित से आज ग्राम सभा सफल नहीं हुआ। आप सहमत हैं उस पे? अब सरपंच भी असहमत नहीं है उसमें। नहीं, आपको पूछ रहा हूँ, सरपंच को नहीं पूछ रहा हूँ। सचिव निकालने में पूरा सहमत सहमत है। अगर सचिव निकल जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है हमें, और नया सचिव आता है तो भी अपनी कोई दिक्कत। ये बताइएगा उप सरपंच महोदय, आज यहाँ 1 साल होने जा रहा है ग्राम पंचायत पौड़ी खुर्द में, कोई विकास कार्य हुआ है? क्या क्या विकास कार्य हुआ? नहीं, विकास कार्य तो हो रहा है भैया अभी। क्या क्या हुआ है? गौठान में काम हुआ है, वर्मी बेड बना है। हाँ, और टुरीपारा में सीसी कंक्रीट रोड चालू हो गया है, और 2-3 जगह का अनुमोदन हो गया है। अच्छा, बताइएगा यहाँ अभी तक ये इस साल के अंतराल में कुछ आरोप है सचिव के ऊपर कि 9 लाख कुछ रुपए निकाला गया है? हाँ, ये आरोप है। ये आरोप है, किस बेस पर निकाला गया है उसको हम लोग नहीं जानते किस बेस में। नहीं तो ग्राम सभा बैठक नहीं लिया गया क्या आप लोग से? प्रस्ताव में कोई 9 लाख निकाला है उसमें हमको कोई जानकारी नहीं, किस बेस का पैसा निकाला है, 14 वित्त का निकाला है, 15 वित्त का निकाला है, इसको हमको कोई जानकारी नहीं। अच्छा, इसकी जाँच चाहेंगे आप लोग? अगर जांच हो जाए तो अच्छी बात है, जांच होनी चाहिए, भरोसा हो जाए कि इस जांच के लिए वो भी संतुष्ट हो जाए कि 9 लाख पैसा इन लोग कहाँ खपत किए, कहाँ खर्चा किए। अच्छा, वो हमको पूरी तो शिकायत करेंगे आप पूछे अधिकारी को? जी सर, हम शिकायत करेंगे। जी ठीक, आपन के नाम का है? रामलाल। अच्छा, आपन कहाँ गया, कौन पंचायत गया? पौड़ी खुर्द। अच्छा रामलाल जी, बताओ आज ग्राम सभा रही पौड़ी खुर्द में? पौड़ी खुर्द में सभा रही। आपन ला ग्राम सभा बैठक में का चीज चुने के रही थे? अध्यक्ष चुने गए थे। हाँ। अच्छा अध्यक्ष महोदय, ये बताओ आज जी ग्राम सभा बैठक में का निर्णय हुई? निर्णय ये हुई से कि DPCP के मतलब दरखास्त बनाना, हर मोहल्ला में का समस्या है लिखना है सचिव ला, जीवन जीवन समस्या रहते हैं हर मोहल्ला के हम बताइए कि ये मोहल्ला में ये चाहिए, मोहल्ला में ये चाहिए, मोहल्ला में ये चाहिए, ये सचिव लिखी से। अच्छा, सचिव का नाम है तुम्हारे यहाँ के सचिव के? रहीम। अच्छा ये बताओ अध्यक्ष महोदय जी, आज सचिव के बारे में भी बहुत हो हल्ला हुई से यहाँ खलबली मच रही, ज्यादा हुई से ना। का नाम से हो रही से? वही विकास नहीं हुआ थे, और जो सचिव हटाए गई से हमारे पौड़ी खुद ले। कहाँ हटाए गई से? सरभोकर इंजीनियर के पास। हाँ, और वो पता चली से कि रहीम सचिव हर की वो सचिव बोलिस कितने मत जाए पौड़ी। कौन सचिव बोलिस? अरे नाम नहीं आवा। हाँ, जनी राम। सुन हमारे। हाँ हाँ, ठीक बात है। हाँ, ताकि वो बड़ी खुदे मत जाते, मैच रहूँ। अच्छा, ऐसे कह रहा बोली से कथे थे ओकर नाम से मतलब हमार पूरा गांव के मन मिल के ना हटा चाह थन। अच्छा, और हटा के बाद में फिर कथे कुछ दिन के बाद में दस्तखत करवाते हैं पंच मल्ला। अच्छा, कौन कराते हैं दस्तखत? सचिव की मैं यहाँ रहूँ के कहना। अच्छा, तो सचिव बहुत सचिव करवात रही थे, सचिव के सहयोग भी तो कोई करी गाँव में? तब भाई मैं देखे तो नहीं, उन्हें बता रही की सरपंच। अच्छा, सरपंच के नाम का है? मनिंदर। और उप सरपंच के? राजकुमार। अच्छा, दोनों जन के मिली भगत, तीनों के जन के मिली भगत में ग्राम पंचायत पौड़ी खुर्द में रहना चाहते हो?
काबर रहना चाहते हो? बात तो जाए थे ना। अच्छा बात हुई, काबर रहना चाहते हो? तो बोला वही पर समाज ही हम तो नहीं समझ सके, हम तो हटाए बर कहा कर रहा था। तो काबर नहीं हटाते थे चूहर? अब उमने के सहो से नहीं हटाते। अच्छा एकर आवेदन तुमन दे रहा का ऊपर अधिकारी मल्ला? बिल्कुल के रह दे रहा लागे। दे रहा अपन के रहा? मैं स्वयं दे रहा लागे मल्ला, पंच मल ले जी रही ने। कहाँ के रहा? ब्लॉक पौड़ी। ब्लॉक कौन ला दे रहा? सीओ साहब ला। सीओ साहब ला? तो सीओ साहब का बोलिस? सीओ साहब बोलिस कि भाई ठीक है, अगर मोर से तो नहीं हो पाही एला मैं जिला में भेजू तो जिला आदेश आ ही तो मैं कर सकूँ। हाँ ये बोलिस। तो आदेश आ गई सोलह हटा के? अब कथे इसे मैं देखे तो ना, ये मैं पढ़े तो नहीं, तब नहीं जाना तो, लेकिन बतात रहें कि आदेश आ गई। आदेश आ गई से कि ऐसी ये रहीम सचिव यहाँ हट जा। तो आज ग्राम सभा में का निर्णय हुई सोलह हटाए के? ग्राम सभा में आज ये नहीं आ हुई से कि भाई सचिव ते यहाँ कबर नहीं हटस। हाँ तोड़ तो यहाँ नोटिस आ गई से यहाँ कबर नहीं हटस। हाँ इतके बार मतलब पूरा पांच और पूरा गाँव वाले मन बोले हम। हाँ एक बाद में दस्तक तो कोई नहीं करे। अच्छा ठीक ठीक। लेकिन जो आप लोग नियम बनाते हैं पूछेंगे आप लोगों को दिया गया है, आप लोग पांच लोग काम करा रहे हैं, सरपंच काम करा रहे हैं, आज तुम लोगो भाई आप लोग बड़े हैं, हम सरपंच हैं मतलब बड़े हैं, हमसे लेके चलना चाहिए ना, लेके चलना चाहिए, लेके चलना चाहिए। आपन के नाम? मेरा नाम सुरमिला खरवार है, वार्ड क्रमांक 1। वार्ड क्रमांक 1
ग्राम पंचायत पोड़ीकुल। सुरमिला जी ये बताइएगा, आज ग्राम सभा, आज दिनांक कौन सा तारीख है? 16 तारीख को ग्राम सभा बैठक रखा गया था पौड़ी खुर्द में जी। किस बेस पर रखा गया था, विस्तार से बताइएगा। हाँ, इसमें रखा गया था कि आज हमारे यहाँ ग्राम पंचायत का मीटिंग है तो सब आइएगा और सचिव का सरपंच का निराकरण होगा। अच्छा, कार्य योजना के लिए। हाँ, तो आज का क्या कार्य योजना बना? कार्य योजना ये बना कि पहले तो चर्चा चला कि किस वार्ड में काम लेना है, तो सब अपना अपना बताइए, तो सब अपने अपने वार्ड के सब बताए हैं। हाँ, और बता के इसके बाद फिर सचिव का जो ट्रांसफर हुआ है उसके बारे में। कहाँ ट्रांसफर हुआ है? सब का रिंगनिया में। अच्छा, और 21 तारीख को उनका ज्वाइन था रिंगनिया। अच्छा, और उसका 7 तारीख को नोटिस जारी हो गया। फिर वो यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं हुए, उसी का चर्चा यहाँ चल रहा था। अच्छा, तो सचिव आज उपस्थित था ग्राम सभा में जी। क्या नाम है सचिव का? रही मलिक। क्या चर्चा हुआ आज उसके हटाने के लिए? उसको हटाने के लिए यह चर्चा हुआ कि वो पैसा पहले निकाल चुके हैं। तो कितना निकाल चुके हैं? 930,000। अच्छा, किस मत का पैसा है वो? तो हमको पता ही नहीं है। अच्छा, पंचों को कोई पता नहीं है ना किसी से। ये कब निकला है पैसा? पैसा जब निकला है उसको पता नहीं, जब हमको बताया नहीं है तो हम किस तारीख को बता। हाँ हाँ, अच्छा, तो आज बैठक में यही निर्णय हुआ? यही निर्णय हुआ। तो सचिव क्या बोला, सचिव से पूछे आप लोग जी? पूछे तो बोले कि जब तक रही हो यहाँ सचिव नहीं आएगा तो मैं कैसे प्रभार दूंगा, ऐसे करके बोले हैं वो। अच्छा, इस संबंध में आप ग्राम पंचायत सरपंच को बताया, कौन है ग्राम पंचायत सरपंच? श्री महेंद्र सिंह। क्या बोले महेंद्र सिंह जी, क्या बोलेंगे? उनका विचार क्या है? उनका विचार यह है कि तो ओके करके साइन करवा है कुछ पंचों के, घर घर में जाके वो पंचों से सलाह नहीं लिए कि इसको रखने के लिए हम साइन करवा रहे हैं करके, घुमरवा करके वो साइन करवा रहे हैं सब पंचों। तो आप लोग आज आप लोगों के बैठक में क्या निर्णय हुआ सचिव के खिलाफ में भेजने के लिए, हटाने के लिए? हमको ये निर्णय लिया गया है उनसे कि आप यहाँ पोड़ी पंचायत में नहीं रहेंगे, और रहेंगे तो हमारा पंचायत भवन लॉक रहेगा और हम बैठक में नहीं आएंगे। पंचायत भवन में ताला लगाएंगे? ताला लगा। और बैठक का बहिष्कार भी करेंगे क्या जी? बैठक का बहिष्कार करेंगे जी। ठीक। कुमार सिंह खेरवार की रिपोर्ट।